बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ, फौजी फूड लिमिटेड। अच्छा, इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, तो अभी जो रिजल्ट आया है इसमें जो अच्छी ग्रोथ आई है, तो उसकी वजह से और फरमाइश आई थी कि भाई इसके आप दोबारा एक वीडियो बना लें। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें इसको एक टेक्निकली तरीके से देख लें, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद इसमें क्यों प्रेशर इतना आ रहा है। उसकी वजह यही है कि इससे पहले भी इसके रिजल्ट आते रहे हैं और अच्छे आए, फिर नेक्स्ट जो है रिजल्ट फिर कोई बुरा आ जाता है या सेल ड्रॉप हो जाती है तो या फिर फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन इस दफा जो अच्छी बात ये हुई है कि इसकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत डिक्रीज हुई है। मैं इसको अगर वॉच कर रहा था इसके बारे में अगर बताऊं तो इसकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ रही थी और इंक्रीज होती जा रही थी, लेकिन इस दफा जो है वो 92% इसमें डिक्रीज देखा है मैंने, और सेल्स भी इंक्रीज हुई है, 20% सेल्स भी इस क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। अच्छा, इसका ईयर एंड जो है वो दिसंबर है, तो ये मैं अभी आपके साथ थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। अभी अगर मैं यहाँ से चलू थोड़ा सा और आगे पीछे आ जाते हैं, ये वाला ठीक है ना, ये जनवरी 24 जनवरी को इसका फाइनल रिजल्ट आया था, इसमें इसकी यहाँ पे ये 26 रुपए जैसे करेंट अर्निंग दिखा रहा है ना, 0.26 26 पैसे, ठीक है, क्वार्टर 31 पैसा था। अब यहाँ पे देखें क्वार्टर गिर गया, 31 पैसे का क्वार्टर था और फिर ये फिर 4 पैसे पे आ गया क्वार्टर। तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से जो है ना इसमें प्राइस में भी हम जो है जो इसमें फ्लक्चुएशन इसके रिजल्ट अर्निंग में आती है क्वार्टर की, तो उसका हम रिफ्लेक्शन जो है वो प्राइस पे भी देखते हैं, तो प्राइस में भी काफी फ्लक्चुएशन आई। अब देखे ना यहाँ पे रिजल्ट आया 10 रुपए 33 पैसे का 43 पैसे का लो गया, फिर ये वापिस 8 रुपए 26 पैसे पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला क्वार्टर है वो अच्छा आया, जाहिर सी बात है 10 पैसे क्वार्टर आया अच्छा है अगर हम देखें तो, ये मतलब अगर वो फाइनल ईयर का क्वार्टर देखें तो बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके बाद जो है ये वाला क्वार्टर जो भी आया है इसमें भी 9 पैसे। अब ये देखें स्टेडी ग्रोथ यहाँ से शुरू हो गई कि 10 पैसे 9 पैसे, अगर हम इसी को ले लें, अब सिंपल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर आ जाए शुरू में हम आ जाते हैं, जैसे ये इधर यहाँ पे देखें 26 पैसे अर्निंग आई, ठीक है। फिर अब इस क्वार्टर में अगर हम इसको मिला लें 4 पैसे तो 30 पैसे बन गए, ठीक है, ये स्टेडी ग्रोथ शो कर रहा है यहाँ पे 30 पैसे। फिर यहाँ 10 पैसे आए तो ये 40 पैसे हो गए, ठीक है, 40 पैसे के बाद अगर हम फिर 9 पैसे मिला लें तो ये 49 पैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो आने वाले दिनों में मतलब अगला क्वार्टर जो है वो जैसे फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटवीन, अगर यही रही स्टेडी ग्रोथ रही 10 पैसे 9 पैसे तो ये 60 पैसे तक इंशाल्लाह ये जो आपको फाइनल रिजल्ट में आपको इसकी अर्निंग मिल जाएगी, ठीक है, जिस तरह जो जो कि इसके मुकाबले में तकरीबन डबल हो जाएगी, क्योंकि 26 पैसे आई थी वहाँ 60 पैसे अर्निंग अगर आ जाती है, अगर यही स्टेडी ग्रोथ रहती है। मैंने बताया ना इसकी फाइनेंस कॉस्ट में की वजह से, फाइनेंस कॉस्ट एक्चुअली यही होता है कि फाइनेंस कॉस्ट की वजह से इसमें ईपीएस पे बड़ा इफेक्ट आता है, तो अगर फाइनेंस कॉस्ट इन्होंने इसको कंट्रोल करके रखा, फाइनेंस कॉस्ट को अगर ज्यादा बढ़ी नहीं और सेल भी इस तरह जिस तरह 20% या 10% आगे और मजीद बढ़ जाती है सेल या 20%, तो इसमें हम आगे अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं और प्राइस में भी हम इसी तरह से इंक्रीज देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसका फ्री फ्लोट देख लें कितना है। इसका फ्री फ्लोट जो है वो तकरीबन 20% है, जो तकरीबन ये 50 करोड़ के करीब बनता है, तो इसमें इसकी वजह ये है कि इसने राइट्स काफी दिए थे। मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं, यहाँ पे देखें इसने ये 2015 में, अच्छा इसके वैसे ये पहले ये इसकी अच्छी हिस्ट्री बन गई थी यहाँ से 2009 से, देखें 2009 2011 बोनस डिविडेंड दे रहा था, इसके बाद से जिससे इसने 2014 में जो राइट दिए 125%, फिर इसके बाद जो है 2015 में 321%, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे फिर सितंबर 2021 में 97% इसने राइट दिए, तो इसकी वजह से इसके जो है आउटस्टैंडिंग शेयर में हमने इंक्रीज देखा, तो 20% के बावजूद भी 50 करोड़ का इसका फ्री फ्लोट है। तो यही वजह है कि इसमें वॉल्यूम अगर अच्छे हेल्दी जनरेट होते हैं, अभी भी वॉल्यूम देखें तो इतने से जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट आई तो इतना 57 मिलियन का डे ऑन डे अच्छा हुआ, लेकिन ये कि फिर वापस ये नीचे की तरफ आया, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ अगर आप देखें तो यहाँ 57 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, फिर इसका 10 मिलियन
12 मिलियन, 26, यहाँ अच्छा खासा 26 मिलियन। तो ये अगर इसमें अगर समझो वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, जिस तरह मैंने कहा था ना, 50 कम से कम भी 57 मिलियन, 57 नहीं तो कम से कम भी 40 मिलियन, 20 मिलियन, क्योंकि इसकी 50 करोड़ का शेयर है तो काफी ज्यादा इसके मार्केट में 20% के हिसाब से भी 50 करोड़ शेयर है, तो हिसाब से वॉल्यूम इसमें अच्छे होने चाहिए। ये एक एक इंडिकेशन है अपर ऊपर जाने की, अपर साइड पे मजीद। अच्छा, अब आ जाते हैं टेक्निकल साइड पे। तो यहाँ पे देखें, ये एक जो है डेली का, मैंने यार एक मिनट इसको मैं ये, हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये जूम इन करके बता दूं। देखें यहाँ पे ये डेली डेली का मैंने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, तो इसको अभी तो फिलहाल ये ऑनर कर रहा है। वो तकरीबन रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी सपोर्ट लाइन, पहले रेजिस्टेंस था। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने देखिए यहाँ से लिया था, इसकी ओपनिंग लिए मैंने, ये जो बेरिश कैंडल बनी थी 25 अप्रैल को, फिर यहाँ पे जो है 30 अगस्त को यहाँ पे फिर एक और बेरिश कैंडल बनी, ये इसकी ओपनिंग थी, तो मैंने ओपनिंग ली है। तो ये देखें यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला था 6 सितंबर को। तो मैं देख हमेशा जो मेरे मुझे फॉलो कर रहे, मैं यही कहता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होता है उसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं बनी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी 10 रुपए 22 पैसे पे जो है एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखें काफी दफा रिटेस्ट किया, विक बनी, कैंडल भी बनी, लेकिन क्लोजिंग नीचे आई इसकी। यहाँ पे देखें क्लोजिंग नीचे आ रही है, यहाँ पे भी क्लोजिंग हुई, यहाँ पे भी क्लोजिंग हुई, ठीक है। ये जैसे जैसे करीब करीब ही हुए 10 रुपए 20 पैसे। एक्चुअली हम इसको थोड़ा और इसको राउंड फिगर में कर देते हैं, 10 रुपए 25 पैसे करीब, ये बल्कि हम ये ले लेते हैं 10 रुपए 30 पैसे के अराउंड जो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो ये अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो उसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और सीपीआर का अपर बैंड है, वो तकरीबन 9 रुपए 60 पैसे बन रहा है। ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना सस्टेन कर, ब्रेक तो कर रहा है लेकिन देखिए विक बन रही। ब्रेक का मतलब है कि वहां क्लोजिंग आ जाए या इसके ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग आ जाए तो इसका मतलब ब्रेक है, फिर इसके बाद वही अगेन कंफर्मेशन, ठीक है। वापिस अभी सिर्फ आ जाते, देखें इसको ब्रेक किया लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई और निगेशन मिली, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर के साथ। फिर इसके बाद जो है ये वहां पे वापिस इस एरिया पे आके ये सस्टेन करने लगा 8.43। अच्छा, इसका मैं अगर आपको बता दूं एरिया ऑफ वैल्यू जो है एक्चुअली वो यही है, 8 रुपए 70 पैसे से लेके 8 रुपए 20 पैसे के अराउंड, जिसमें एक ये पिविटल सपोर्ट भी आ रहा है 8.43 का, जिसमें काफी दफा इसको ऑनर भी किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू इसका, ये आ गया एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। एरिया ऑफ वैल्यू जो है वो 8 रुपए 70 पैसे से लेके 8 रुपए 20 पैसे का अराउंड है डेली चार्ट के हिसाब से। ये अगर इसको तोड़ता है एरिया ऑफ वैल्यू को, तो फिर ये वापस मजीद और नीचे आ सकता है, वापस इवन जो है मैं जैसे आपको बताया कि 6 रुपए भी रिटेस्ट कर सकता है, 6.30 जहां से ये रेजिस्ट कर रहा था पहले, फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट, तो 6.30 भी आ सकता है अगर इसको तोड़ता है तो। लेकिन अभी फिलहाल जो इसकी ग्रोथ नजर आ रही है उस वजह से अभी चांस तो कम नजर आ रहा है इसके इसको ब्रीच करने का, और अलबत्ता ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है। जिस तरह मैंने अभी बताया 60 पैसे तक अर्निंग मेरी एक्सपेक्टेड है फाइनल ईयर की। अच्छा, यहाँ पे इसने जो है जिस तरह इंफ्रावेस्ट की खबर आई थी कि एक्वायर करा, तो ये 11 रुपए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये 11 रुपए 86 पैसे तक गया था। एक्चुअली इसकी जो पिविटल रेजिस्टेंस है वो 12 रुपए के अराउंड है, 11 रुपए 99 पैसे, ठीक है। ये मैंने लगाया ऑलरेडी, यहाँ बनाया हुआ है तो इसको रीटेस्ट भी नहीं किया, और इससे पहले यहाँ पे वीक बनी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक वीकली रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखें ये डेली का रेजिस्टेंस है, डेली का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, लेकिन जो है देखें यहाँ पे अगेन मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता दूं इसका, इसमें हुआ क्या, यहाँ पे देखें ये निगेशन मिली इसकी, ठीक है, बेरिश कैंडल के साथ, फिर इस बेरिश कैंडल की फिर अगेन निगेशन मिली, फिर इस बेरिश कैंडल की फिर अगेन निगेशन मिली। मतलब एक कैंडल जो है अगर ऊपर जाती है तो दूसरी इसको निगेट करती है, फिर तीसरी इसको फिर निगेट करती है, फिर चौथी पिछली कैंडल को निगेट कर रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे ये इसने एक अभी डोजी बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक तो ये कि इनडिसाइसिव है,
इस लेवल पे आके बायर और सेलर दोनों ऐसे डिसाइसिव हैं कि सेलर भी चाह रहे हैं कि रिजल्ट को देखते हुए ज्यादा सेलिंग ना करें और बायर भी कंफ्यूज हैं एक्चुअली, क्योंकि इसके रिजल्ट में बड़ा फ्लक्चुएशन आता है, तो कह रहे हैं आप यहाँ पे बाय करें या नीचे का वेट करें। तो मेरे हिसाब से तो जाहिर सी बात है आप अगला रिजल्ट आने वाला है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं तो इस यहाँ पे इस प्राइस पे मैं इसको थोड़ा सा ये और बता दूं, ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, इसने पहले भी 8 रुपए 88 पैसे 90 पैसे जो है किया था, ये तकरीबन 18 अक्टूबर को, तो क्लोजिंग जो इसकी यहाँ पर आई थी, तो ये क्लोजिंग पर हम यहाँ पे इसकी सपोर्ट यहाँ पे ही ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया में इसी की नेक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, ये अच्छा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। आठ रुपये 90 पैसे 93 पैसे ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। देखें यहाँ पे विक भी बनी थी पहले, इसी को हम ले लेते हैं ये वाली नेकलाइन सपोर्ट, ठीक है ना, 8 रुपये 95 पैसे 90 पैसे ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं अगले अनाउंसमेंट के लिए, रिजल्ट के लिए जो कि अच्छा एक्सपेक्टेड है। अच्छा एक और भी चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रॉफिट आफ्टर वो इसी की वजह जो जो इम्पैक्ट आया है सेल्स इंक्रीज का और जो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो कम हुई है, उसका रिफ्लेक्शन हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है, जो कि मैंने शेयर भी किया था कि उसमें हमने तकरीबन 613 मतलब 614 समझ लें, फ्रंट फिगर में 614% हमने टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज देखा है। तो वो उसकी वजह यही है कि स्टेडी ग्रोथ है इसकी, अच्छी स्टेडी भी नहीं कहेंगे बल्कि एक अच्छी मतलब ग्रोइंग सिचुएशन है फाइनेंशियल की इसकी। तो अब अगर इसी तरह रहा, स्टेडी रहा, इसकी ग्रोथ रही इसी तरह और इसी तरह जो है रिजल्ट आते रहे अच्छे, तो आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगर उसने ये जो है इसको सस्टेन कर लिया, ठीक है, मैं तो कहूंगा ये वाली रकम, ये वाला एरिया कम से कम 10 रुपये, जहां से यह पहले भी रिजेक्शन आई थी, ये वाला एरिया 10 रुपये 40 पैसे 43 पैसा अगर इसको सस्टेन करता है और इसका ब्रेकआउट मिलना, सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है 9 रुपये 60 पैसे का, ठीक है, वैसे तो यहाँ देखें यहाँ पे 9 रुपये 83 पैसे भी गया लेकिन फिर नीचे आया ये, तो इसका जो है ब्रेकआउट और सस्टेन करना बहुत जरूरी है इसके ऊपर, और अगर ये सस्टेन करता है तो फिर अगला टारगेट ऑब्वियसली यही 12 रुपए का टारगेट होगा, बल्कि ये समझ लें 11 रुपए 50 पैसे, ये मैं यहाँ पे एक और भी बना देता हूँ, ठीक है ना, ये एक्चुअली ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, तो बहुत ही अभी मतलब समझेंगे, यूँ समझ लें कि एरिया ऑफ वैल्यू जो है 8 जो है 8.95 से 8.70 से लेके और 8.20 के दरमियान है, 50 पैसे का यहाँ पे है और तकरीबन यहाँ पे भी वही 50 पैसे का यहाँ पे आ रहा है, 11.50 से लेके 12 के दरमियान ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, बीटी में यहाँ लिख देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, इसको ब्रेक करते ही फिर जो है ये ऊपर की तरफ दिखा सकता है, ठीक है, मैं आपको वीकली चार्ट से बता दूं कि ऊपर की तरफ ये कहां तक जा सकता है, अगला टारगेट क्या होगा अगर इसको ब्रेक करता है, तो ये अपना चैनल टॉप है ये 22 रुपए 17 पैसे, ये भी रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं डेली का इधर से निकालू फिलहाल, तो यहाँ पे इसको मैं जरा जूम आउट करूँ थोड़ा और इसको मैं भी क्लियर कर दूँ, ठीक है, तो ये इसका जो है अगला टारगेट, एक तो पहला तो यहाँ होगा जहां से इसने सपोर्ट लिया था 14 रुपए, ये एक बीच में हर्डल आएगा 14 रुपए का, और फिर ये इसका अगला टारगेट जो है वो 16 रुपए के अराउंड यहाँ पे जहां से इसने इसको ब्रेक किया था, ये वाला एरिया जो है 16 रुपए का ये टारगेट हो सकता है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं ये दो टारगेट हो सकते हैं, एक तो ये टारगेट होगा और एक है जो बड़े सपोर्ट ली थी इसने यहाँ पे काफी दफा, ये वाला एरिया 13 रुपए 14 रुपए ये वाला एरिया, ठीक है ना, इसने इसको ब्रेक किया था, देखेंगे यहाँ पे 15 रुपए 80 पैसे से लेके और ये 13 रुपए 80 पैसे के दरमियान काफी है यहाँ पे, ये इसने देखें यहाँ कंसोलिडेट किया, सपोर्ट भी लिया, फिर इसके ऊपर अपसाइड मूवमेंट भी दिखाई, तो ये एरिया जो है रिटेस्ट कर सकता है, और अगर इसने 15 रुपए 80 पैसे 16 रुपए सस्टेन किया तो फिर ये अगला टारगेट जो है एक ये होगा जो सपोर्ट एरिया था पहले 17 रुपए, और फिर ये चैनल टॉप, सॉरी ये चैनल टॉप जो है ये
22 रुपए का दिखा सकता है। तो ये टारगेट जो है 12 रुपए क्रॉस करने के बाद जो है, मैं इसको कलर भी अलग कर देता हूं ताकि आपको इजी समझने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। ये टारगेट्स आपके हो सकते हैं, ये मैंने आपको टारगेट्स बता दिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इसको रखना चाहिए होल्ड करके, क्योंकि प्राइस काफी इसकी डाउन है। दूसरे फूड सेक्टर के देखें जो डेयरी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे प्रेमा है और एंग्रो फूड है, तो उनके प्राइस का भी काफी ज्यादा है। तो अगर इससे मैंने बताया ना कि अच्छी ग्रोथ रही, फाइनेंस कॉस्ट में ज्यादा इसमें हमने कमी देखी आने वाले दिनों में और मजीद, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ये टारगेट जो है वो अचीव हो सकते हैं। 14 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए, ये टारगेट जो है इंशाल्लाह ये आप अचीव होता देखेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है ना। जो अभी मेन जो हाईएस्ट टारगेट प्राइस है 17 रुपए, ये इंशाल्लाह अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।